हाँ जी सर, आईडिया कंपनी की तरफ से आपके लिए पोस्टपेड निर्वाणा प्लान ऑफर आया है 289 रुपीज का, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। करना सर उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। हेलो, बताइए हाँ जी सर, 389 का प्लान है ये जो आपको अभी 289 का दिया जा रहा है। ठीक है सर, इसमें आपको जो है अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है, रोमिंग इनकमिंग आउटगोइंग दोनों फ्री। ठीक है जी। सर, साथ ही इसमें आपको 3,000 लोकल और नेशनल SMS दिए जा रहे हैं, और इसमें जी आपको 20 GB डाटा दिया जा रहा है 1 महीने का। ठीक है जी सर, और वो भी डाटा कैरी फॉरवर्ड फैसिलिटी के साथ दिया जा रहा है कि अगर 1 महीने में आप अपना पूरा डाटा नहीं यूज कर पाए तो बचा हुआ डाटा जो है आपको अगले महीने, वो अगले महीने के 20 GB डाटा में मिलके मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही इसमें आपको आइडिया ऐप, म्यूजिक ऐप, मूवीज ऐप और टीवी ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। इसमें आपको दो न्यू सर्विस एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जा रही है सर, एक बता दूं चाइल्ड लॉक और दूसरा है ट्रैकिंग सर्विस। ठीक है सर, और एक और बात, अगर आप एयरटेल का, जियो का या कोई भी नंबर अपना पोर्ट कराते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कंपनी के थ्रू किया जा रहा है। तो आप जो एड्रेस देंगे उस एड्रेस पे हमारे एग्जीक्यूटिव जाते हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका नंबर पोर्ट करके आपको न्यू सिम प्रोवाइड करके और एक्टिवेट करके देते हैं। हाँ जी सर, तो आप इंटरेस्टेड हैं, करवाना चाहते हैं अपना एयरटेल का नंबर पोर्ट? इतने अमाउंट में तो मैम 3 महीने का ऑलरेडी मिल रहा है मुझे जियो में, तो मैं क्यों करवाऊंगा। हाँ जी 298 में है सर, 289 289 में, मतलब समथिंग 300 सर, 20 GB वही मतलब बोला जाता है ये 20 GB, पर वैसे आपको जो है 1.5 GB डेली प्रोवाइड किया जा रहा है, 1.5 GB पर डे। लेकिन मैम ये दूसरे ऑपरेटर में तो 84 डेज के लिए मिल रहा है ना मुझे, तो मैं ये क्यों लूंगा बताओ। सर देखिए, सर्विस सर्विस होती है, आइडिया पोस्ट पेड की सर्विस बहुत अच्छी है, इनफैक्ट आइडिया की सर्विस अच्छी है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सर्विस बेस्ट लगती है ज्यादा, क्योंकि आइडिया काफी पुरानी कंपनी है तो आप जानते होंगे काफी। ये वाली चीज देख रही है मैम, हमें तो अभी आई है जियो। सॉरी सर, मैं बोला ये ठीक लग रही है जो अभी आई हुई ना, जियो नहीं। सर देखिए, जियो अपनी जगह ठीक है, बाकी सारी अपनी जगह ठीक है। देखिए बहुत हिल स्टेशन या फिर गांव वगैरह ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे ये सारे वर्क नहीं करते, सिर्फ पोस्ट पेड वर्क करता है। आप बताओ आपके पास कौन सी सिम है? सर मैं मेरे पास आइडिया की सिम है। हाँ झूठ बोल रहे मैडम आप। नहीं सर सीरियसली, मैं आइडिया ही यूज करती हूँ, क्योंकि आपको पता होगा मेरे पास पहले एयरसेल की सिम थी, पर अच्छा। जब ये एयरसेल की और ये सारी सिम जब बंद हो गई थी तो उस टाइम पे मैंने आइडिया का कनेक्शन लिया। मेरे पापा के पास भी एयरटेल है, मम्मी के पास भी एयरटेल है, बहन के पास भी, और इनफैक्ट मेरे पास भी, हमारे फैमिली में इनफैक्ट आते ही एयरटेल के ही नेटवर्क आते हैं हमारे, सॉरी आइडिया के ही नेटवर्क आते हैं हमारे घर के। पहले आपने सच बोल दिया कि एयरटेल की है। सॉरी आपके मुंह से पहले खुद ही सच निकल गया कि एयरटेल की है। नहीं सर, वो आपकी एयरटेल की कंपनी है ना, तो इस वजह से मेरे मुंह से एयरटेल निकल गया, पर वैसे हमारे पास सबके पास आइडिया ही है। आइडिया के? हाँ जी बोलिए सर। मैम यही सही लग रहा है मुझे तो, क्योंकि इसमें 300 में मिलता है 84 डेज के लिए, इसमें 1.5 GB पर डे मिलता है, आप दोगे 1 महीने के लिए, अगर मुझे कुछ फायदा ही नहीं होगा तो मैं क्यों लूंगा आप बताओ। एक बात होती है कि हाँ इसमें आपको 20 GB बोला जाता है, पर वैसे डेली तो हम ऐसे बोलते नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि 1.5 GB जो है आपको पर डे का दिया जाता है इसमें, बट एट द एंड बोला ये जाता है कि आपको 20 GB मिलेगा। और ये 128 डेज के लिए होगा ना? सर देखिए 20 GB पूरे महीने का ठीक है, पर बोलने में ये आता है कि 20 GB आपको पूरे महीने का मिलेगा, पर वैसे जो है 1.5 GB पर डे आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है सर्विस 289 के। अभी तो मैम प्लान नहीं है कोई चेंज करने का, अगर होगा तो कर लेंगे। हाँ जी बोल रहा हूँ, अभी तो कोई प्लान नहीं है चेंज करने का, अगर होगा तो कर लेंगे। हाँ जी सर, तो मैं वही बोल रही हूँ ना, आप बताइए अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो। अभी तो मैम ऐसा कोई मन है नहीं। हाँ जी बोल रहा हूँ, अभी तो पाई आपने क्या बोला है मैम, वो बोला अभी तो करना है नहीं, जब करना होगा तो कर लेंगे, अभी नहीं करना सर। अभी नहीं करना जी, अभी नहीं
पोर्ट कराने का चेंज, क्योंकि इससे अच्छा स्किन तो मिल रहा है ना मैम ऑलरेडी। अच्छा अभी आप ऑलरेडी एयरटेल यूज कर रहे हैं इस वजह से ये रीजन आपका? अभी हमने खुद वोडाफोन से एयरटेल में पोर्ट करवा रखा है, ये नंबर हमारा कॉर्पोरेट कनेक्शन है वैसे भी है। अच्छा, इसमें 20-22 लोगों का है। हाँ जी, तो सर आप आइडिया में पोर्ट करा के देखिए ना, आइडिया से भी ये नहीं है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है या कोई और इशू है, सर आइडिया का भी इतना बेस्ट नेटवर्क आता है, बल्कि पोस्टपेड का तो उससे भी बेस्ट आता है। इसमें हम ट्राई करके देखिए, अपने उससे हम कर भी नहीं सकते ना मैम, बॉस बोलेंगे तब हम कर सकते हैं। सर जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा? मैं तो मैं बोल रही हूँ एक बार देखिए, ऐसा कोई आप पे प्रेशर नहीं है कि आप लीजिए ही लीजिए, बट एक ये है हमारा मोटिव कि हाँ हम आपको समझा रहे हैं कि क्योंकि पोस्टपेड सर एवरी वेयर वर्किंग रहता है, ठीक है 24, तो आप इसको मतलब ट्राई कर सकते हैं, नॉट फॉर ट्राई, आप इसको फॉरएवर के लिए भी पोर्ट करा सकते हैं। हमारे नंबर 50-60 लोग हैं, अब सब लोग जब बोलेंगे तब चेंज होगा, एक आदमी के बोलेगा चेंज तो होगा नहीं ये नंबर। सर मैं समझ नहीं पाई आपने क्या बोला है। ये ना मैम कॉर्पोरेट कनेक्शन है, इसमें 50-60 लोगों के पास सिम है, एक बंदे के बोलने से तो होगा नहीं, जब सब लोग जाएंगे तब चेंज होगा मैम। तो सर ये चीज आपको मुझे पहले बतानी चाहिए कि आपका ये कॉर्पोरेट नंबर है। आपको कॉल किया, आपने कॉल किया तो आपको पता होना चाहिए ना मैम, आपके पास तो सारा डाटा होता है। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि हाँ ये आपका नंबर है और आप एयरटेल यूजर है, मीन्स इस टाइप का स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है। अब हमें ये चीज नहीं पता कि आप कॉर्पोरेट नंबर यूज कर रहे हैं या क्या यूज कर रहे हैं। ऑलरेडी पोस्टपेड नंबर है मैम, ये कॉर्पोरेट कनेक्शन है, आपके पास जब ये डेटा आता है कि इनके पास नंबर वंबर इसके नाम वाम सब आता है आपके पास, हालांकि आपको ये देखिए, पर ये चीज थोड़ी ना हमें स्पेसिफिक बताई जाती है कि ये कॉर्पोरेट नंबर है, तो आपकी गलती ना मैम, मेरी तो एंड। देखो सर हम अब आपको एक ऑफर और दे रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप अपने बाकी कॉर्पोरेट से मीन्स बात करके, और ये आप तो एक का नहीं है, आप जितने भी आपके कॉर्पोरेट नंबर है आप सबका प्लान चेंज करा सकते हैं, बल्कि उसमें हमारी तरफ से स्पेशल ऑफर दिया जाता है। चलो बताओ सर, आप बोले तो मैं आपके पास मेल करवा देती हूँ, आप मुझे मेल आईडी बता दीजिए। चलो मेल आईडी नोट करो। हाँ जी सर बताइए, मेल आईडी बता दीजिए। BHA3 सॉरी B for Bombay H for Hyderabad A for Apple T for Tamil Nadu एक बार और T Tamil Nadu ओके और H for Hyderabad अच्छा हाँ जी A for Apple हाँ जी R4 हाँ जी R4 Roz आगे बोलिए R4 Roz हाँ जी O for Odisha हाँ जी नहीं सॉरी गलत आई नहीं है मैम, ओ नहीं आई है आई, एक सेकेंड भट्ट आगे क्या है, हरीश है HARIS हरीश आगे .92 जी .92@gmail.com जी ओके। तो सर मैं आपको ये प्लान सेंड कर दूंगी, आपका नाम जान सकती हूँ हरीश भट्ट जी? मैम हरीश भट्ट जी आपका तो नाम मैम? सर मनीषा बात कर रही हूँ। सर नेम मैम? सॉरी सर नेम? हाँ जी बोलिए। सर नेम सर गौतम। अच्छा गौतम जी आप? हाँ जी हम गौतम जी हैं। ठीक है सर, तो मैं आपको मेल करा देती हूँ हमारी कंपनी के थ्रू, और आप चेक कर लीजिएगा, तो आप चाहें तो कॉर्पोरेट का पूरा मतलब प्लान ले सकते हैं, तो आप चाहें तो पूरा फुल चेंज करवा सकते हैं आप सबके लिए। ठीक है मैम आप भेज दो। हाँ जी हम भेज देते हैं, तो प्लीज जो भी हो आप प्लीज हमें रिवर्ट जरूर दीजिएगा, नहीं मैं तो भी, हाँ मैं तो भी, अगर कोई और क्वेरी होगी तो वो भी। रिप्लाई करना होगा या जिस नंबर पे आपने कॉल किया इस पर कॉल कर लें? सर मैं आपको दूसरा नंबर दे देती हूँ, आप चाहे तो उस पर रिप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है सर
एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपको अपना दूसरा नंबर दे देती हूँ, वो परफेक्ट नंबर है, शायद उसका